बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज का हमारा मौजू है इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। इबादत के आम मानी वो चंद मखसूस अमाल समझे जाते हैं जिनको अल्लाह ताला की अजमत और किब्रियाई में बजा लाया जाता है, लेकिन इबादत का असल मफहूम यह है कि हर वो काम जिसका मकसद अल्लाह ताला की खुशनुदी हो इबादत में दाखिल है। इसमें नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात भी दाखिल हैं और तजारत, मुलाजमत और खिदमत खल्क वगैरह भी शामिल हैं। अगर कोई इंसान बज़ाहिर कैसे ही अच्छे काम करे लेकिन इससे मकसूद दिखलावा और शोहरत हो और अपनी बंदगी का इजहार और अल्लाह के हुक्म की अताअत ना हो तो वह इबादत नहीं कहलाएगा। कुरान और हदीस से भी हमें यही पता चलता है, हदीस मुबारक का तर्जुमा है कि अच्छी बात कहना और माफ़ करना इस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे सताना हो। एक और मकाम पर आया है, हर अच्छा काम सदका यानी नेकी है। तुम्हारा किसी भाई को देखकर मुस्कुराना भी नेकी है। रास्ते से किसी तकलीफ़ देह चीज़ का हटाना भी नेकी है। बेवा और गरीब के लिए कोशिश करने वाले का मर्तबा अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाले के बराबर है और उसके बराबर है जो दिन भर रोज़े रखता हो और रात को नमाज पढ़ता हो। लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़े के असबाब दूर करना और मोहब्बत फैलाना ऐसी इबादत है जिसका दर्जा दूसरी इबादत से भी बढ़कर है। इंसानी ज़िंदगी का मकसद अपने खालिक और मालिक की इबादत है और इस मकसद को कुरान करीम में भी बयान फरमाया गया है। तर्जमा, और मैंने जिन्नात और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। और कुछ इबादत बदनी हैं जैसे नमाज जिसका ताल्लुक सिर्फ बंदे और उसके रब के दरमियान है। कुछ इबादत माली हैं जैसे ज़कात और सदका, इसमें गरीबों, मस्किनों, नादारों का फ़ायदा है। एक इबादत रोज़ा है जिसमें इंसान अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर तकलीफ़ उठाता और मशक्क़त बर्दाश्त करता है, भूखा प्यासा रहता है और गुनाहों से बचता है, इसलिए अल्लाह ने इसका अजर ख़ुद देने का वादा फरमाया। इसी तरीके से मुसलमानों में अख़ुवत, मोहब्बत, रिश्ता, इत्तेहाद कायम करने वाली इबादत का नाम हज है। गर्ज के मुसलमान की 24 घंटे की ज़िंदगी इबादत बन सकती है अगर हर काम अल्लाह ताला के अहकामात और सुन्नत नबी के मुताबिक हो। यही हर मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद और असल कामयाबी है। कुछ काम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक नमाज, रोज़ा या इबादत से तो नहीं लेकिन इनका शुमार इबादत में होता है और इन पर बड़े अजर सवाब की खुशखबरी दी गई है। मसलन, पड़ोसियों का ख्याल रखना, यतीमों और बेवाओं की मदद करना, मजलूमों की मदद करना, भूलों और भटके हुओं को रास्ता दिखाना, ईमानदारी से तजारत करना, भूखों को खाना खिलाना, दरख्त लगाना, नौकरों से अच्छा सलूक करना, बड़ों का अदब करना, बीमारों की आदत करना वगैरह। इन बातों को जानने के बाद हमारे इल्म में आया कि जो हकुकुल इबाद हैं वो इबादत में बड़ा दर्जा रखते हैं। हमें चाहिए कि हम हकुकुल इबाद का मुकम्मल ख्याल रखें और अल्लाह ताला के हजूर हाजिर होने से डरें और अपने फ़राइज़ को पूरे तरीके से अदा करें। अल्लाह ताला हमें बाअमल मुसलमान बनाए। अल्लाह हाफिज़।